हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई की टीम द्वारा लगातार पूछताछ और छानबीन जारी है। ऐसे में मामले में जांच के लिए सोमवार को सीबीआई की टीम अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां सीबीआई की टीम ने बिटिया का उपचार करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की। वहीं अब मामले में एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने मेडिकल कॉलेज में तैनात दो डॉक्टरों को निलंबित कर उन्हें नोटिस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने ये कार्रवाई सीबीआई पूछताछ के बाद की है। वहीं निलंबित किए गए डॉक्टरों का कहना है कि हमसे सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन वाइस चांसलर ने हमें निलंबित कर दिया है। इस मामले में वाइस चांसलर को पत्र लिखा है और वो हमारे भविष्य के हित में जरूर सोचेंगे। जांच की कॉल आई थी, उन्होंने हमें बोला है कि आप वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर उबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड, हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओस को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे, अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसकी हाथरस की वजह है? मे भी एक वजह हो सकती है। उस वक्त हम लोग ने हमसे मतलब मीडिया वाले आते थे, सीएमओ के पास आते हैं, यहाँ पे आके बैठे रहते थे, तो हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे, तो एज ए डॉक्टर हमने ओपिनियन दिया था अपना। नहीं, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। हमने अपना एक मेमोरेंडम एंड एक हमारी टीम ने हमने भेजा, अपना लेटर भेजा है वाइस चांसलर को, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है वहाँ से। जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है, वो सूट नहीं होगा तो आप आज के ड्यूटी से बताइए। कारण तो हमें बताया नहीं गया है, ये तो मैं नहीं बता सकता। कल सीबीआई की टीम आई थी और आज आपको रिटर्न कर दिया गया है। जी जी, पूछताछ हुई थी सीबीआई हमसे नहीं, यूपी डायरेक्टर, उन्होंने रिटर्न में दिया था। मेन जो सी एम ओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई कर रहा है, सीबीआई ने डायरेक्टर में पूछा। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है? आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? हमें टेलीफोन से इंचार्ज है जिन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला कि इनको आप टर्मिनेट कर। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है आपको टर्मिनेट कर दीजिए? आगे आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन है? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं, तो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज दी हैं, जब यहाँ पे कोई देने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें रीज़न दे दिया जाए कि किस लिए टर्मिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है बाकी जगह जॉब छोड़ के यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, तो हमें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पे के हमें ऐसे ही टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तो उसको कोई रीज़न दे दे तो बेहतर लगता है। फिलहाल एएमयू के वाइस चांसलर की इस कार्रवाई से नाराज रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट ने जेएनएमसी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि इस चेतावनी पर वाइस चांसलर क्या कदम उठाते हैं। अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।